ये होता है इवनिंग का समय, जिस समय मंगल काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसकी दोस्त उसके साथ होती है और काफ़ी दोस्त बन चुके हैं मंगल के यहाँ। मंगल अक्सर हमें इवनिंग में इसी तरह ज़िद करता है कि ले चलो मुझे नीचे, काफ़ी बहाने दिखाता है और भाई साहब इतने एक्सक्यूज़ है इसके पास, नो डाउट बहुत सारे हैं। तो फिर हम लेके आ जाते हैं, वैसे भी दो टाइम तो लाना ही है। तो ये टाइम होता है जब मंगल काफ़ी एक्साइटेड रहता है, खेलता है कूदता है थकता है इंजॉय करता है। मंगल अभी बाहर आया हुआ है, थोड़ा ढूंढ रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है ये ढूंढता रहता है, क्या खोदेगा। और ये रहा इसको अब, या ये बालू एक ऐसा जगह है जहाँ पर इसको देख के राजमेर या राजस्थान की याद आती होगी। हो गया मंगल, चले चले। पता नहीं यहाँ भी क्या ढूंढता रहता है, सूंघता रहता है। ये आ गई सिल्की। कहाँ थी सिल्की, इतने समय से ढूंढ रहे थे हम लोग। इधर को मंगल, ये दोनों मित्र ये अब नहीं छोड़ेगी। जा मंगल जी ले। अरे सॉकेट तेरे क्या होगा, कैसे पकड़ा, क्या बताऊं तेरी बहन को, नमन टर्बो खुल गया क्या, किसने नहलाया इसे, धूप निकलवा दो, ये हो गया। अरे इसने पेट्रोल पी लिया, ठंड से मर जाऊंगा। अरे तापमान हो रहा 2 डिग्री, घर को बना दिया बॉर्डर तिगड़ी, हम नाती छलांगे लगा रहे हैं। धुंध, अरे पूछो क्या बीमारी होगी इसे, क्या हो गया मेरा सॉकेट, ठंडे फाड़ दी पॉकेट, बन गया मैं रॉकेट, ठंडी बंडी ठंडी, अरे ठंडी हो रही ठंडी, क्या स्पीड है। काफी देर ये घूमता है इसी तरह और फाइनली ये इसकी दोस्त आ गई सिल्की, जो मंगल के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। ये दोनों जो ऐसे दोस्त है ना, मंगल को पूरा एक्साइटेड करनी है। मंगल मंगल मंगल, क्या मिला तुझे, क्या मिला क्या मिला, अरे ये तो बहुत स्पीड फैंटम हो रखी एकदम। जब ये पूरे तरह से खेल लेते हैं अच्छे से, तब तक हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है खेले वो, जब तक इसका मन है, क्योंकि एक यही तो समय होता है जिस समय ये थोड़ा इंजॉय कर पाता है, खुल के खेलता है। तो हम लोग ऐसे वेट करते हैं कि हाँ सिल्की है, थोड़ा उसके साथ इसे फील होता है कि हाँ भाई अपना परिवार भी है यहाँ पर। खेलता है, खेलते खेलते मंगल पता नहीं क्या देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है। इसके और एक दो दोस्त हैं, डुक्कू नाम है और एक और है, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट वो दोनों भी आते हैं। वो दोनों भी सिल्की की तरह ही है, एकदम रुकते ही नहीं है, इसके साथ खेलते कूदते रहते हैं। तो इस वक्त मैंने क्या किया था, मैं इनको बोली कि मैं आपको दिखाती हूँ मंगल कैसे गुस्सा होता है जब मैं सिल्की को मारती या डांटती हूँ। तो मैं उनको दिखा रही थी इस वक्त, तो मैं बोली थी आ रही हूँ मैं सिल्की को मारूँ मैं सिल्की को मारू। तो मंगल आ गया मेरे पास और मतलब ऐसा है कि थोड़ा रोकने की कोशिश करता है, उसे पता है कि मैं नहीं मारूंगी, इसी वजह से ये ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं दिखा रहा। मगर जब भी ये कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसे बोलते कि मैं मार रहा हूँ भाभी को, तो ये पूरा गुस्सा हो जाता था इनके ऊपर। अभी देखिए खुजली कर रहा है ये, इसको खुजली करनी होती है लेट लेट के। यहाँ पर जो घास है ना वो बहुत अच्छा है, पूरा हरा भरा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे लोट लेता है, गंदा भी नहीं होता है क्योंकि घास ही घास है। अभी क्या मैं सिल्की को डंडे लेके आई थी मारने, मंगल मुझे रोक रहा है, नहीं भाभी मत मारो। नहीं सिल्की तो अपने ही मग्न में रहती है। मंगल मेरी छड़ी पकड़ता हुआ, मैंने 2-3 उसी को लगा दिए। वैसे वो बहुत प्यारा है मंगल, कभी कभी तो मन करता है इसके दोनों गाल खींच करके एकदम कचौड़ियाँ बना दो इसके गालों की। मंगल सोच रहा है सिल्की कब खड़ी होगी खेलने के लिए। हमें अपने पेट को ऐसे देना चाहिए समय कि वो खेले। अगर आपके घर में 2 पेट है तो चलो बहुत अच्छा है कि वो खेल लेते हैं, ये अकेला है तो इस वजह से हम इसको परमिशन देते हैं कि आप खेलो सिल्की के साथ। हाँ ठीक है, टिक्स वगैरह हो जाते हैं इसको, फिर हम लोग टेटमोसोल साबुन से इसको नहा देते हैं जिससे कि इसका टिक्स भी हट जाता है, तो उतनी परेशानी नहीं होती है, कम से कम इंजॉय तो कर ले बच्चा। मैं तो इसको बोल रही थी मैं जा रही हूँ, तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मैं जाने लग जाती हूँ, तो ये सिल्की को लगता है कुछ बोलता होगा कि चलो ठीक है कल मिलता हूँ, ऐसा कह के वो मेरी तरफ देखने लगता है। फिर देखता है कि भैया आ रहे क्या, तो वो तो खड़े है, फिर वो पता है इधर उधर थोड़ा देखता है कि क्या मेरे लायक कोई काम हो तो देख लूँ। फिर वो मेरी तरफ देख रहा है कि अच्छा भाभी चली गई,
सच में चली गई, मैं दिखी नहीं क्योंकि मैं छुप गई थी वहाँ पर, और फिर वो मुझे ढूंढने आया, मैं गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी और मुझे पकड़ रहा था वो मगर बाली का है। तो उसके साथ मैं छुपन छुपाई खेल रही थी, बहुत मज़ा आता है छुपन छुपाई, अच्छे से खेलता है। अब मंगल तो इतना थक गया, ये सोच रहा मैं उधर जाऊँ कि भाभी के पास जाऊँ, उधर जाऊँ या भाभी के पास जाऊँ। मंगल भाभी कहाँ है, थोड़ा कंफ्यूज है मंगल, बार बार ये बोल रहे थे कि भाभी कहाँ है भाभी कहाँ है, तो मुझे देख तो लिया बट ये काफी थक गया क्योंकि इतना खेला है आज सबसे ज्यादा, और गर्मी भी काफी है यहाँ यूपी में, तो अभी हम लोग से पहले ही जा रहा है, इतना थक गया है और सीधा जाएगा क्योंकि बाहर हवा भी नहीं चल रही थी, तो हमसे पहले ही ये जाने लग गया।